एक बार जय घोष, गुरु जी का जय घोष करेंगे। बोले परम पुण्य सदगुरु भगवान की, वंदनीय माता जी की, गुरुपुत्र गुरुदेव की, समस्त सिद्धाश्रम की, समस्त सिद्धाश्रम सारे परिवार की, बोलो हर हर महादेव। बहुत सारे साधक जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको गुरुपाल का सिद्धि दिवस के बारे में पता है। गुरुपाल का सिद्धि दिवस आज मैं 1997 जब गुरुजी ने अपनी पूजा करके गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे पादुका दी थी, और उससे पहले से भी मैं गुरुपाल का सिद्धि दिवस इस मासिक शुक्ल द्वितीया को मनाता हूँ। जो मेरे साथ है वो लोग हर साल गुरुपाल का सिद्धि दिवस मनाते हैं, लेकिन आजकल कैसा नेट हो गया है और ये नेट के माध्यम से जब भी मैं कोई कार्यक्रम रखता हूँ, मैंने अश्विन शुद्ध द्वादशी को त्रयोदशी को कहा था कि ये गुरु सिद्धि दिवस है, गुरुमंडल आज के दिन समस्त शिष्यों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं, ऐसा कहा तो कई पोस्ट नेपाल आदि साधकों से आए कि ये कभी हमारे गुरु जी ने हमें नहीं कहा, गुरु पूर्णिमा के सिवा किसी ने नहीं कहा कि ऐसा कुछ होता है। मैंने फिर उनको विशिष्ट दुर्लभ सिद्धियां नाम की गुरु जी की पुस्तक का प्रमाण देते हुए कहा कि इसमें गुरु जी ने कौन से गुरु की सिद्धि दिवस कहलाए गए हैं और किस दिन गुरु की पूजा करने से हम गुरु कृपा के पात्र बनते हैं। मैंने उन्हें बस ऐसा ही इस गुरुपाल का सिद्धि दिवस के बारे में भी लोगों का कहना है। गुरु जी ने तो उस अगर आप विशिष्ट सिद्धियां पुस्तक देखते हैं तो गुरु जी ने कहा कि गुरु पूर्णिमा की कितनी प्रसिद्ध है उससे भी ज्यादा गुरुपाल का सिद्धि दिवस को श्रेष्ठ माना गया। जो शिष्य आज के दिन अपने गुरुपादुकाओं का सिद्ध करके अपने घर में प्रतिष्ठा करता है वह अपने गुरु को स्वयं अपने घर में प्रतिष्ठा करता है, ऐसा कहा गया है। अगर आपके पास वो अभी प्रिंट नहीं है, मुंबई के एक गुरुजी के रहते समय रणजीत चौबे नाम के सिद्ध साधक थे, उन्होंने उस पुस्तक को प्रिंट करवाया था जिसका नाम था विशिष्ट दुर्लभ सिद्धियां, और उसमें इस गुरुपद का सिद्धि दिवस के बारे में बताया गया था। तो इस पादुका इसे पादुका सिद्धि दिवस क्यों कहा गया है और पादुका सिद्धि दिवस का विशेषता क्यों गुरु पूर्णिमा से भी महान कही गई है। सबसे पहले अगर आपका यहाँ वेदज्ञ ब्राह्मण हो, वेद पढ़े हुए लोग हो, या वेदों को आपने कभी टच भी किया हो, तो आप पूरे वेद में कहीं ये नहीं देख सकते कि गुरु का शब्द लिखा हुआ है, गुरु के बारे में कुछ कहा गया है। पूरे गुरु मंत्र में अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, वरुण देव, अश्विनी कुमार, इंद्र आदि देवताओं के बारे में बताया गया है। तो ये गुरु शब्द की उत्पत्ति कब हुई और उसके बाद गुरु पादुकाओं का नामकरण या गुरु पादुकाओं के बारे में कब ये सभी के सामने आया। सप्तऋषि होने दो या ईश्वर, हम पूरे चारों वेदों में गुरु के बारे में कहीं नहीं देखते, लेकिन वेदों के बाद में इस गुरु परंपरा का आरम्भ हुआ। जब परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना किया और कहा कि ये गुरुपाद का सिद्धि दिवस इसे कैसा कहा जाता है और कब कहा गया, तो कहते हैं आदि गुरु जैसे शिव जी कहे गए हैं, उसके बाद महर्षि अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय जी, अपने जीवन में उन्होंने बहुत कम लोगों को शिष्य किया, जैसे परशुराम जी उनके शिष्य हुए, कार्तिक वीर्याजी उनके शिष्य हुए और बहुत कम लोग उनके शिष्यों के बारे में, लेकिन जो भी शिष्य हुए इस संसार में पूजनीय हुए, महान हुए। तो उन शिष्यों में कार्तिक वीर्याजुन या सहस्त्रार्जुन नाम के एक महान राजा हुए जो कृतवीर के पुत्र थे, और वो दत्तात्रेय के भक्ति में भगवान दत्तात्रेय की इतनी सेवा शुश्रूषा की उन्होंने कि जिसे भगवान दत्तात्रेय बहुत प्रसन्न हुए। भगवान दत्तात्रेय ने उनको इतना आशीर्वाद दिया और सारी विद्याओं के त्राता कर उनको सहस्त्रार्थ जागृति प्रदान कर दी। जब सिद्ध हो गए वो और सारी सिद्धि भी उन्होंने देखी, तब दत्तात्रेय भगवान ने कहा कि हे सहस्त्रार्जुन, तू मेरा श्रेष्ठ शिष्य है, मैंने तुझे सारी सिद्धियां प्रदान की है, अब तू लोक कल्याण कर, लोक कल्याण करने के लिए आगे जा, लोक कल्याण करने के लिए तुझे आगे बढ़ना है, मेरी ये सारी सिद्धियां लोक हित के लिए काम में आए और तू लोक कल्याण करने के लिए जा। तब सहस्त्रार्जुन कार्तिक जन कहते, प्रभु क्यों मुझे आपसे दूर करते हो, मैं आपके चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना करता हूँ, मैं आपके चरणों से दूर नहीं जाना चाहता, मैं कुछ भी हो मैं आपके चरण पकड़ कर रहना चाहता हूँ। तब उन्होंने कहा कि बेटा, अगर मैं एक आम का वृक्ष लगा दिया हूँ
और उसका बीज लगाकर उसको बड़ा किया और उसको हजारों आम आए हैं, और वो आम अगर वो वृक्ष किसी के काम ना आया तो बेटा वो आम सड़ के खराब हो जाएगी, किस काम के वो। इसलिए मैं कहता हूँ तुझे वैसे एक अमृतमय अमृत के वृक्ष के समान तुझे तेरे में बीज अक्षर देके हुए तुझे बोया हुए तुझे महान वृक्ष तैयार किया हूँ, ये लोक कल्याणार्थ काम आए ये मेरी इच्छा है। तो उसने कार्तिकवीराज ने अपने गुरुचरणों में सर झुकाकर प्रार्थना की और कहा प्रभु कुछ भी हो जाए मुझे आपका दर्शन सुबह और शाम होना चाहिए और मैं आपके चरणों में सर झुकाकर नमस्कार करना चाहिए, आपका दर्शन होना चाहिए। ऐसी स्थिति बनाने के बाद आप कुछ भी कहो मैं गुरु आज्ञा पालन करने के, मैं बिना गुरु को देखे या गुरु बिना गुरु के चरणों को छुए मैं इस संसार में जीना नहीं चाहता, मुझे नहीं भी चाहिए। तब प्रथम बार भगवान दत्तात्रेय ने उसकी उस भावनाओं को देखकर, शिष्य की भावनाओं को देखकर दत्तात्रेय भगवान ने कहा हे कार्तिक विराजन मैं तेरी भावना को समझता हूँ, हे सहस्त्रार्जुन तेरी भावना को समझता हूँ, तेरा जैसे शिष्य न हुआ है न होगा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तू तेरे को मैं मेरी पादुकाएं प्रमाणित करते हुए देता हूँ, आज के दिन उन पादुकाओं को सिद्ध करते हुए एक विशिष्ट मंत्र के साथ तुझे देता हूँ, जब भी तू उन पादुकाओं को तेरे घर में रखकर पूजा करेगा और उसके ऊपर तेरा सर रखकर मैं जो मंत्र बोलता हूँ वो मंत्र बोलेगा, मैं शशशील तेरे सामने उपस्थित रहूंगा और तेरी इच्छा पूर्ण करूंगा, आज मैं तुझे पूछ रहा हूँ, तू जो पूछा है मैंने वो दिया और आज मैं जो पूछता हूँ तुझे देना है, तुझे लोक कल्याणार्थ आगे बढ़ना है, तुझे लोक कल्याण करना है, इस संसार में धर्म की स्थापना करना है, और भी तुझे कुछ मांगना है तो मांग। तब क्योंकि कार्तिक विराजन एक योग्य गुरु के शिष्य थे, उन्होंने मांगा कि प्रभु मैं धर्म के लिए न्याय करूं, मैं धर्मबद्ध राज्य का पालन करूं और मेरे राज्य में आप जो भी मुझे करवाना चाहते हैं कोई दुखी ना रहे, हर दुखों को मैं निकालने वाला हूं, कोई अन्याय कोई चोरी छुपे काम करना, कोई चोरी करते हुए अन्याय करते पीठ पीछे कोई चाकू भोंकना, ऐसे काम करने वाले सामने वाले को तो हम अन्याय करते हैं किसी को मार दे सकते हैं, लेकिन पीठ पीछे काम करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, चोरी करने वाले होते हैं अंधेरे में चोरी करते हैं, ऐसे लोगों को शिक्षा देने की क्रिया होनी चाहिए और मैं उस धर्मबुद्ध जीवन को बिताना चाहता हूँ, अगर आप मुझे वो धर्मबुद्ध जीवन देते हैं तो मैं सहर्ष आप जो बोलते हैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो उन्होंने कहा दत्तात्रेय भगवान का तथास्तु, दूसरा वर मांगो। दूसरा वर उन्होंने मांगा कि मैं इस संसार में जो चाहूँ लोक कल्याणार्थ जो भी चाहूँ वो कार्य मुझे सिद्धि मिले और मैं लोक कल्याण जो कार्य करना चाहता हूँ उसमें कोई भी अड़ा आए मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं अगर अच्छा काम करता हूँ तो उस अच्छे काम में कोई आना नहीं, चाहे वहाँ धन की वर्षा होनी हो या लोगों का दुख को मिटाना हो मुझे ये कार्य करने के लिए वचन दो कि मैं अच्छा कार्य करूँ। उन्होंने कहा वो भी तथास्तु। नंबर तीसरा वर मांगना,